गुजरात में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात का करीब करीब हर इलाका बारिश से तरबतर है और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पूरे गुजरात में मॉनसून झूम के आया है। हर जिले हर तहसील में झमाझम बारिश हो रही है। बनासकांठा हो, वडोदरा, भरूच हो या सूरत, कच्छ हो या द्वारिका, जामनगर से लेकर हर जिले में मॉनसून राहत का पैगाम लेकर आया है। बारिश अच्छी हुई है भाई, होगी तो मजा आएगा जामे, और जब किसान ने खेत बो जाएंगे, चरी बाजरे आ जाएंगे, लो बढ़िया है जाओगे। अच्छा। और रात में जाएगी अब तो ऐसी और पच जाते हो पानी रात में, तो मजा ही आ जाओ फिर। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों के लिए गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अनुमान है। समुद्र में 45 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। 11 जून से गुजरात में मॉनसून का प्रवेश हुआ है, जो आगे बढ़कर अब तक मेहसाणा तक पहुँच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गुजरात के सभी हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश होने का अनुमान है। बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, गीर सोमनाथ, कच्छ, द्वारका, भावनगर, अमरेली और जामनगर में सामान्य से भारी वर्षा हो सकती है। मानसून जो कल तक का प्रोग्रेस था वो मुंड्रा से होते हुए मेहसाणा तक गया है, और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो गुजरात के कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं वहाँ पे प्रोग्रेस का पूर्वानुमान है। हालांकि गुजरात के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जगह इतनी बारिश हुई है कि सड़कों और गलियों में जल भराव हो गया है। कई इलाकों में लोगों के घर और दुकानों में भले ही पानी घुस चुका है, लेकिन गर्मी से निजात मिलने की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। मौसम विभाग ने 27 जून यानी आज से गुजरात के ज्यादातर जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है, जो 30 जून तक जारी रहने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए द्वारिका में NDRF की टीम तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।